रीनू यादव। शुरुआत करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है। सुबह 11 बजे से बैठक शुरू होगी, जहां मोहन कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। रसोई गैस सिलेंडर के दाम में छूट पर फैसला संभव है। पिछले रक्षाबंधन पर पूर्व सीएम ने की थी घोषणा। शिवराज सिंह ने 450 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की थी। गैस के दाम पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सवाल भी उठाए थे। महिलाओं से जुड़े प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को मिलेंगे 250 रुपए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीमा पर लग सकती है मुहर। मुख्यमंत्री की घोषणा पर कैबिनेट में लगेगी मुहर। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज सुबह 11 बजे, यानी कि अब से कुछ ही मिनट बाद ये बैठक शुरू होने वाली है। सुबह 11 बजे मोहन कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। रसोई गैस सिलेंडर के दाम में छूट पर फैसला संभव है। पिछले रक्षाबंधन पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 450 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की थी, और ये घोषणा के बाद से ही ये माना जा रहा है कि गैस के दाम पर पूर्व सीएम की घोषणा के मद्देनजर एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। और वहीं गैस के दाम को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सवाल भी उठाए थे। महिलाओं से जुड़े प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को मिलेंगे 250 रुपए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीमा पर लग सकती है मुहर। मुख्यमंत्री की घोषणा पर कैबिनेट में मुहर लगेगी। तो मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक कुछ ही मिनट में शुरू होने जा रही है, और इसमें जो प्रमुख प्रस्ताव है ये पटल पर रखे जाएंगे, और संभवतः कई जो प्रस्ताव है उनको हरी झंडी मिलने के आसार भी नजर आ रहे हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, मोहन कैबिनेट की बैठक और देखा यह जा रहा है कि रक्षाबंधन के खास मौके पर एक बड़ी सौगात खासतौर पर लाडली बहनों को मिलने जा रही है, और भी क्या संबंधित जानकारी, क्या क्या वो प्रस्ताव होंगे जिनको हरी झंडी मिलने की संभावना है? निश्चित तौर पर देखिए, मोहन कैबिनेट की आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, और ये बैठक जो है वो रक्षाबंधन त्यौहार के पहले आयोजित हो रही है, तो ये बैठक कई मायनों में बेहद खास हो जाती है, क्योंकि सरकार ने पहले ही 250 रुपए का बोनस लाडली बहनों को देने की घोषणा कर दी है। यानी कि 1 अगस्त को 1250 रुपए के अतिरिक्त 250 रुपए जो है वो खातों में डाले जाएंगे, ताकि बहनें खुशी खुशी त्यौहार मना सके। दूसरी बड़ी जानकारी मिल रही है कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात जो बीजेपी की ओर से चुनाव के पहले कही गई थी, और उसको लेकर लगातार सियासत भी हो रही थी। कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही थी कि क्यों 450 में गैस सिलेंडर नहीं दिया जा रहा। यह मध्यप्रदेश में बड़ा चुनावी मुद्दा भी बना था। हाल ही में कमलनाथ ने इसको लेकर ट्वीट भी किया, तो उसे लेकर भी कुछ फैसला जरूर हो सकता है, क्योंकि लगातार ये मांग जो है वो अब जनता के बीच से भी उठने लगी है कि महंगाई से थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। खासतौर पर गैस सिलेंडर जो रोजाना घरों में उपयोग होती है, रसोई में काम में लाई जाती है, अगर उसके दाम कम होते हैं या फिर वो लाडली बहनों को 450 रुपए के दाम में मिलती है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा तोहफा होगा, बड़ी राहत होगी। बहरहाल देखना होगा कि क्या इसको लेकर कोई फैसला आज कैबिनेट की बैठक में होता है, या फिर थोड़ा सा और इस घोषणा के पूरे होने में अभी इंतजार करना पड़ता है। दूसरी ओर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर भी महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है वो आज कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे। वासु, आपको रोकना चाहेंगे, कांग्रेस से अनिल सिंह चौहान जी जुड़ गए। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। अनिल जी, भोपाल में आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, और देखा यह जा रहा है कि रसोई गैस के दाम में कमी लाने की बात सामने आ रही है। 450 रुपए सिलेंडर किए जाने का दावा किया जा रहा है, और अभी संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाएगी जल्द ही। देखिए, ये तो ऑल इंडिया लेवल पे गैस की कीमत जो है 400 रुपए के 450 रुपए के नीचे लानी चाहिए। इसके लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था, रहा सवाल आपके लाडली बहना योजना का, तो कांग्रेस ने जो 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की स्कीम लाई थी वो इससे ज्यादा स्वस्थ स्कीम थी, ज्यादा फायदा होना था बहनों को, माताओं को। तो भारतीय जनता पार्टी ऊंट के मुंह में जीरे की तरह लाभ देती है, और इससे ज्यादा लाभ वो अदानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को देती है, और सिर्फ बड़े लोगों की सरकार है। जब नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव सामने आते हैं तो इस तरह के घड़ियाली आंसू बहाने की काम भाजपा सरकार करती है। इसको पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए, एक प्रदेश विशेष में नहीं। जी जी, रक्षाबंधन के पहले लाडली बहनों को 250 रुपए भी उनके खाते में आएंगे, वो अतिरिक्त राशि होगी जो लाडली बहनों के खाते में हर महीने राशि दी जाती है 1250 रुपए, इसके अतिरिक्त ही राशि दी जा रही, इस पर भी कुछ कहेंगे आप? जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र में लिखाया था कि ऑल इंडिया लेवल पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष हम अपनी बहनों माताओं को देंगे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो स्कीम है एक प्रदेश विशेष के लिए है और कम है।
ये पूरे हिंदुस्तान में लागू की जानी चाहिए और कम से कम 1 लाख रुपए आज जो महंगाई का दौर भारतीय जनता पार्टी ने चक्र भी खड़ा किया है पूरे देश में महंगाई का, उससे निपटने के लिए अपर्याप्त रकम है ये, इसको पूरे हिंदुस्तान की बहनों और माताओं को दिया जाना चाहिए और मिनिमम 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिया जाना चाहिए। जी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीमा पर भी मुहर लग सकती है और जाहिर सी बात है जिस तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करती हैं तो उनको ये एक बहुत बड़ी सौगात सरकार की तरफ से होगी। और रक्षाबंधन के पहले खासतौर पर महिलाओं पर फोकस किया जा रहा है और इन महिलाओं को आप भी जानते हैं अच्छे से कि चाहे इलेक्शन छोटे हों या बड़े हों, महिलाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। निश्चित रूप से महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, माताएं बहनें सरकार को स्थापित करने में, बनाने में, मिटाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए इनसफिशियंट योजना है, बहुत कम पैसे दिए जा रहे हैं उनके खातों में। दूसरा, महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में वो चिंता का विषय है, खासकर भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के प्रति अपराध और संवेदनहीनता देखने को मिल रही है। तो इसको लेकर कांग्रेस चिंतित है, पूरा विपक्ष चिंतित है, इसको लेकर ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। साथ बीजेपी से राजपाल सिसोदिया जी भी जुड़ गए। राजपाल जी, बहुत स्वागत है आपके न्यूज 18 पर। जी, लाडली बहनों के खाते में 250 रुपए अतिरिक्त जो हर महीने राशि आती है उसके अलावा, और साथ ही रसोई गैस के जो दाम है 450 रुपए के जाने का जो दावा किया जा रहा है और संभवतः इस पर मुहर भी लग जाएगी कैबिनेट की बैठक में जो कि अब से कुछ ही मिनट में शुरू होने वाली है। हमारी बात हो रही है अनिल सिंह जी से जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। मोहन यादव जी की अध्यक्षता में हो रही आज की मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट रक्षाबंधन के ठीक पहले मध्य प्रदेश की बहनों को समर्पित कैबिनेट की बैठक है। आज की बैठक में जहां एक तरफ हमारी बहनों के लिए 250 रुपए रक्षाबंधन के पूर्व उपहार स्वरूप दिए जाने का मोहर लगने वाली है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की बहनों के लिए और भी कई सारी सौगात मिलने जा रही है। यह सरकार मध्य प्रदेश की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। हम कांग्रेस की तरह दो मुही और दो तरह की बातें नहीं करते हैं। अनिल जी का कहना है कि 450 रुपए सिलेंडर के दाम तो कई राज्यों में है, यहाँ पर तो पहले से बढ़ाया गया था, कम किया जा रहा है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राजपाल जी, देखिए वही कह रहा था मैं कि कांग्रेस जैसी दो मुही बातें हम नहीं करते हैं। कांग्रेस के नेता प्रवक्ताओं को जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिन राज्यों में है वहाँ तो महिला अपराध, नारी अपराध दिखता है, पर जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है तो उस समय पे इनके मुंह में कहीं जम जाता है, एक शब्द नहीं बोलते हैं। प्रियंका गांधी जो कहती है लड़की हूं लड़ सकती हूं, जब ठीक है, बहुत शुक्रिया राज्य में, शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। वासु, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे जहां दमोह से खबर है, गर्ल्स कॉलेज की 4 छात्राएं अचानक से लापता हो गई। केएन गर्ल्स कॉलेज की 4 छात्राएं लापता हुई है, बीए फर्स्ट ईयर की छात्र बताई जा रही हैं। चारों लड़कियां बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रही है। सीता नगर बिजोरी गांव की रहने वाली छात्राएं हैं, सोमवार को कॉलेज के लिए निकली थी छात्राएं, परिजनों ने पुलिस से मदद की गुहार भी लगाई है। खबर दमोह से है जहां गर्ल्स कॉलेज की 4 छात्राएं लापता होने का मामला है। केएन गर्ल्स कॉलेज की 4 छात्राएं अचानक से कहां लापता हो गई हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आखिरकार छात्राएं गई कहां? बीए फर्स्ट ईयर की छात्राएं चारों लड़कियां बताई जा रही हैं। सीतानगर बिजोरी गांव की रहने वाली छात्राएं थी, सोमवार को कॉलेज के लिए निकली थी और परिजनों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दमोह से। वहाँ से बस से आई हैं, हमसे बोली है कि मैम मैंने मैसेज भेजा है पिंकी के लिए, ने पिंकी ने फोन लगाया था, हमने भी बात करी थी, वो बोल रही थी कि पूजा से बोल दी हो कि कल वहाँ पर जाने कॉलेज, हमने कि हाँ बोल देंगे। अरे आज भी 4 के नंबर से नहीं गई घर है, तो हमने कि चलो 6 के से आ जाए, 6 के 6 भी नहीं गई, नहीं 8 के से गई, फिर इसलिए हम यहाँ सीधे कॉलेज आए, रिपोर्ट अपोर्ट कुछ नहीं की वहाँ पे। सर सुबह 9 के नंबर से घर से बच्ची निकली हैं, 4 ही बच्ची निकली, पिंकी, सुनीता, किरण और पूजा। हमने बोली पापा जी बुकें जमा करने जाने हैं और मैडम को फोन आओ हमारे मोबाइल, मतलब
तो मैं मतलब फोन नहीं मैसेज से आओ ठीक है बेटा कर जाओ पैसा कितने कहीं कर पापा 400 रुपये हमने 50 समय से हमने 50 रुपये हमें दिए सौदा के लिए 350 रुपये पर हाथ में लाए देखिए परिजन हमारे साथ हैं और सुबह चारों बच्चियाँ जो सीतानगर थाना दमोदहा क्षेत्र की हैं केएन कॉलेज में पढ़ाई करती हैं बीए फर्स्ट ईयर में तो ये परिजनों के बताए अनुसार ये जो है आज कॉलेज कबूल करने के लिए हैं और अभी जो है शाम तक घर नहीं अभी देर रात तक घर नहीं पहुँची हैं परिजनों से लगातार जो है पूछताछ जारी है और जो भी इसमें विधि अनुसार कार्रवाई होगी वो जो की जा रही है। खबर ग्वालियर से जहां पर कांग्रेस विधायक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर पर एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल आदिवासियों से मारपीट मामले में यह एफआईआर हुई है। यूनिवर्सिटी थाने में अभद्रता मारपीट का केस दर्ज किया गया। मऊ पहाड़ी के आदिवासियों ने शिकायत दर्ज करवाई थी। ट्रांसफार्मर की मांग करने गए लोगों से मारपीट की गई थी और इसके चलते ये पूरा मामला अब संज्ञान में आया है। खबर ग्वालियर से आपको दे रहे हैं जहां कांग्रेस विधायक के खिलाफ केस दर्ज हुआ। कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर पर एफआईआर दर्ज हुई। आदिवासियों से मारपीट मामले में यह पूरा मामला सामने आया और जानकारी यह है कि मऊ पहाड़ी के आदिवासियों ने ट्रांसफार्मर की मांग के लिए गए हुए थे और इसी दौरान उनके साथ मारपीट की गई है जिसकी शिकायत आदिवासी महिलाओं ने दर्ज करवाई और अब यह पूरा मामला उजागर हुआ जिस पर कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। तो आपको बचाया किसने? इस बीच आदिवासियों से मारपीट पर विधायक ने सफाई पेश की है। साहब सिंह गुर्जर ने कहा वह रोज लोगों की समस्या सुनते हैं। कुछ लोग समस्या लेकर आए थे, इनके लिए मैंने बिजली अधिकारियों से बात की थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द ही प्रपोजल बनाकर इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन लोगों में कुछ लोगों ने शराब भी पी रखी थी और यहां पर हंगामा किया। हम भी इनकी शिकायत करेंगे। साहब सिंह का कहना है कि किसी ने उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश की है। आरोप लोग जो लगा रही है वो गलत है। मुझे आपके ही माध्यम से पता चला कि वो एसपी ऑफिस पहुंच गई हैं। जब ये सुबह 11:30 बजे करीब वो मेरे यहाँ आए तो मेरा तो रोज का काम है, मैं जनसुनवाई करता हूँ। क्षेत्र की जनता जो आती है, गरीब मजदूर किसान, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, मैं उनका सम्मान करता हूँ, चाय पानी पिलाता हूँ, उनकी समस्या सुनता हूँ। रोज का मेरा नियम है, कोई समस्या लेके आता है तो संबंधित अधिकारी को बोल सकते हैं, बता सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। किसी को मौका तो देना चाहिए ना। आज आपने कोई समस्या बताई है उसके लिए समय तो लगेगा। तो इतनी इनको तसल्ली नहीं हुई जो वहां से निकल के बाहर नारेबाजी करने लगे, तोड़फोड़ करने लगे, गाली गलौज करने लगे और नशे की हालत में थे कुछ लोग उसमें से, और जरूर कोई ना कोई इसमें साजिश है। चाहे किसी ने भी, ये राजनीति आप जानते हो, चाहे शिकार पर आगे किसी ने भेजा हो या कोई भी साजिश, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। टीकमगढ़ के बड़ा गांव में घटिया तहसील भवन का निर्माण किया गया है। 6 करोड़ की लागत से बने तहसील भवन की दीवारों में दरारें आ गई हैं। भवन की छत से जगह जगह पानी टपक रहा है और अब इस कमी को छिपाने के लिए दरारों में सीमेंट की जगह पुट्टी भरी जा रही है। दूसरी तरफ जिम्मेदार अधिकारी इस घटिया निर्माण कार्य पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। घटिया निर्माण की पोल खुलती हुई नजर आई है। तहसील भवन का ये निर्माण हुआ था जिसमें भवन की छत से बारिश का पानी टपक रहा है और इस कमी को छिपाने के लिए इसमें दरारों में पुट्टी भरने का काम किया जा रहा है। तकरीबन 6 करोड़ की लागत से इस भवन को बनाकर तैयार किया गया था जो कि बारिश में सीमेंट छोड़ता हुआ नजर आया है। गंदगी का अंबार है और ये देखिए किस तरीके से घटिया निर्माण की पोल खुलती हुई नजर आई है। खास बात यह कि नया निर्माण हुआ और छत टपक रही है, पहली बारिश में ही भवन निर्माण की पोल खुलती हुई नजर आई है। टीकमगढ़ में 10 लाख रुपए की लागत से बना स्टॉप डैम बारिश के पानी में बह गया। मामला टीकमगढ़ जिले के लुरह गुआ गांव का है जहां पर 10 लाख रुपए की लागत से स्टॉप डैम बनाया गया था जो मॉनसून की पहली बारिश में ही बह गया। अब स्टॉप डैम के घटिया निर्माण को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि जिले के ज्यादातर ग्राम पंचायतों में इसी तरह के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं और निर्माण कार्य की जगह सरकारी राशि के बंद का आरोप लगने लगा है।
वहीं टीकमगढ़ में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े दो निर्माण और सरकारी पैसे की बंदरबांट की तस्वीर सामने आई है। पहली तस्वीर बड़ागांव तहसील की है, जहां 6 करोड़ रुपए की लागत से बने तहसील भवन की दीवारों में दरार आ गई है और 6 करोड़ रुपए की लागत से बने इस छत से बारिश का पानी टपक रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर लुरहगुआ गांव की है, जहां पर 10 लाख रुपए की लागत से बना स्टॉप डैम मानसून की पहली बारिश में ही टूट गया, पहली बारिश भी नहीं झेल पाया। खबर भिंड से, जहां भिंड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया, जहां पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस को 10 लाख के सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। चांदी के सिक्के मिले हैं, उनके साथ ही बिजली का तार जो बहुत जगह काटने की सूचना मिली थी, उनके संबंध में भी 1 क्विंटल 20 किलो और 2 फनर। ये UP79T4524 नंबर की गाड़ी है, ये टेम्पो। तो इस तरह हमने उनसे 10 लाख रुपए की राशि अभी तक जब्त की है और कोशिश है, अभी PR भी लिया हुआ है। मुरैना में व्यापारी के घर चढ़ी गैंग का धावा, जहां तेल कारोबारी के घर चढ़ी गैंग की दस्तक हुई, हथियार की नोक पर लूटे 15 लाख के जेवरात घर के बाहर लगे CCTV को तोड़ डाला गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के TR पुरम नगर की ये पूरी घटना बताई गई है। शिकायत के बाद चोरों की तलाश में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर मुरैना से है, जहां पर व्यापारी के घर चढ़ी गैंग का धावा हुआ, तेल कारोबारी के घर चड्डी गैंग ने दस्तक दी है। हथियार के नोक पर लूटे 15 लाख के जेवरात घर के बाहर लगे CCTV को भी तोड़ डाला गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के TR पुरम नगर की घटना बताई गई है। तो एक बार फिर से चड्डी गैंग एक्टिव हुआ है और हथियार के नोक पर तेल कारोबारी के घर में धावा बोला गया, CCTV कैमरा तोड़ डाला गया और ये कुछ तस्वीरें जो सामने आई हैं चड्डी गैंग की, जहां व्यापारी के घर को निशाना बनाया गया है। और मुरैना में ये घटना सामने आई है, जहां पर चड्डी गैंग ने घर में धावा बोला है और तेल कारोबारी के घर पर चड्डी गैंग की दस्तक, हथियार की नोक पर 15 लाख के जेवरात लूट लिए गए, घर के बाहर लगे CCTV को भी तोड़ डाला गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के TR पुरम नगर की घटना है। शिकायत के बाद चोरों की तलाश में पुलिस जुट गई है। बैतूल जिला अस्पताल में फिर हंगामा हुआ, 48 घंटे के भीतर एक और प्रसूता की मौत हो गई। गर्भवती ने दिया था मृत बच्चे को जन्म, डिलीवरी के बाद महिला की भी जान चली गई। डिलीवरी के 24 घंटे के बाद महिला की मौत हुई, महिला की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया है। बैतूल से खबर है, जिला अस्पताल में फिर हंगामा हुआ, 48 घंटे के भीतर एक और प्रसूता की भी मौत हो गई। गर्भवती ने मृत बच्चे को जन्म दिया, डिलीवरी के बाद महिला की भी जान चली गई। डिलीवरी के 24 घंटे बाद महिला की मौत हुई, महिला की मौत पर अब परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। खबर ग्वालियर से, जहां पर नैनीता गुप्ता हत्याकांड में इनाम घोषित किया गया, हत्या के आरोपियों पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया। सोमवार को हुई थी अनीता गुप्ता की हत्या, जहां बाइक सवार दो हमलावरों ने की थी हत्या। बेटे के साथ घर लौट रही थी अनीता गुप्ता, माधोगंज थाना के पीताम्बर कॉलोनी की पूरी घटना बताई गई है। खबर ग्वालियर से है, जहां पर अनीता गुप्ता हत्याकांड में इनाम घोषित किया गया है। तो अनीता गुप्ता हत्याकांड में नाम घोषित किया गया है। ग्वालियर की बड़ी खबर, बेटी के साथ घर लौट रही थी अनीता गुप्ता और इसी दौरान माधोगंज थाना के पीताम्बर कॉलोनी में इस घटना को अंजाम दिया गया। हत्या के आरोपियों पर 10,000 का इनाम रखा गया है। बड़ी खबर है, जहां पर सोमवार को अनीता गुप्ता की हत्या की गई थी और जो आरोपी है इनके खिलाफ 10,000 का इनाम रखा गया है। सोमवार को ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, यानी कि कल दो बाइक सवार लोगों ने अनीता गुप्ता पर हमला किया था।
उज्जैन और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते मंगलवार को शिप्रा नदी जलस्तर बढ़ने लगा है। इससे रामघाट समेत अन्य घाटों पर स्थित मंदिर डूब गए हैं। शिप्रा नदी के रामघाट पर आरती स्थल सहित पुजारियों के तर्पण पूजा स्थल पर भी डूब गए हैं। तो उज्जैन और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते मंगलवार को शिप्रा नदी जलस्तर बढ़ने लगा है और इससे रामघाट समेत अन्य घाटों पर स्थित मंदिर डूब गए हैं। शिप्रा नदी के रामघाट पर आरती स्थल सहित पुजारियों के तर्पण पूजा स्थल भी डूब गए हैं। तो ये देखिए तस्वीरें शिप्रा घाट की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो मंदिर है वो पूरे पानी से डूब गए हैं और शिप्रा नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और जो तमाम घाट हैं वो डूब गए हैं। राजनांदगांव में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। डोंगरगढ़ ब्लॉक के ग्राम कातलवाही से कोलिहापुरी को जोड़ने वाला पुल डूब गया, जान जोखिम में डालकर लोग नाला पार करने के लिए मजबूर हैं। खबर राजनांदगांव से आपको दे रहे हैं, जहां पर बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और इस बीच जो पुल पुलिया हैं वो पानी में डूब गए हैं। डोंगरगढ़ ब्लॉक के ग्राम कातलवाही से कोलिहापुरी को जोड़ने वाला पुल डूब गया, जान जोखिम में डालकर लोग नाला पार कर रहे हैं। बड़ी खबर है राजनांदगांव से। तो अमूमन ये तस्वीरें हर उस क्षेत्र में देखने को मिलती है जहां पर पुल पुलिया बने हुए हैं और इसके ऊपर से पानी बह रहा है, और देखा यह भी जाता है कि ग्रामीणों की कई बार मजबूरी होती है कि ऐसे जोखिम भरे रास्तों से निकलना पड़ता है जहां पर जान का खतरा बना हुआ है। कई हादसे पहले भी सामने आ चुके हैं जब बड़े वाहन तक इसमें बह जाते हैं। अगर पानी की धार और ज़्यादा तेज़ होती है तो जाहिर सी बात है लोगों की जान पर भी बनाएगी। बारिशें नदी नाले उफान पर हैं, पुल पुलिया डूब चुके हैं। राजनांदगांव की ये तस्वीर है जहां पर गांव को जोड़ने वाला पुल पानी से पूरा डूब चुका है। और चलिए अब सीधे रुख करेंगे इंदौर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। नगर निगम में जहां पर जोरदार हंगामा हुआ है और ये कुछ तस्वीरें आप देखिए, जहां पर इंदौर MIC की बैठक और मेरिन काउंसिल की इस बैठक में जबरदस्त हंगामे की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर बड़े बड़े पोस्टर लेकर निगम के बजट सत्र में हंगामा देखने को मिल रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां निगम के बजट के दौरान ये हंगामा, जहां पर बड़ी बड़ी तख्तियां लेकर जो पार्षद है वो पहुंचे हुए हैं। गत वर्ष के कार्य विरत के पुष्टि के पुष्टि सारे लोग ताला पुष्टि और फोक प्रणाम करता हूँ। वर्तमान योग दृष्टा बजट सत्र में जोरदार हंगामा हो रहा है, तख्तियां लेकर पार्षद पहुंचे हुए हैं। एक बार फिर से मिथिलेश का रुख करेंगे। मिथिलेश, निगम के बजट सत्र के दौरान हंगामा हो रहा है, काले कपड़े पहनकर कांग्रेस पार्षद पहुंचे हैं, तख्तियां लेकर पहुंचे हैं, किस बात को लेकर ये पूरा विरोध है? देखिए भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने पहले से रणनीति बना के गिरेंगे पूरे बीजेपी परिषद को, जो निगम का बीजेपी पार्षद जो भी कांग्रेस के हैं वो नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी के साथ काले कपड़े पहनकर पहुंचे। जैसे ही महापौर बजट के लिए जो कक्ष बना हुआ है, जो हॉल बना हुआ है, वहां के लिए आगे निकलते हैं, जोरदार हंगामा शुरू हो जाता है और काले कपड़े पहनकर आए थे भ्रष्टाचार के विरोध में, जमकर हंगामा होता है। और हंगामा होने के बाद जैसे ही वो बजट सत्र के लिए उस हॉल में पहुंचते, बाहर जो बाउंसर लगे हुए थे सुरक्षा के लिहाज से, उनसे बहस होती है और धक्का मुक्की होती है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को तख्तियां ले जाने से रोका जाता है। तमाम जो पार्षद है कांग्रेस उनके हाथ में तख्तियां रहती है और दरवाजे पर बहस होती है, धक्का मुक्की होती है, धक्का मुक्की यानी कि जबरदस्त हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार। और सुशीला मोहन कैबिनेट